नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी के अकाउंट को बैन कर दिया गया। उन्होंने एक वीडियो में एसिड अटैक का महिमा मंडन किया था, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए और उनके अकाउंट को बैन कर दिया गया। वहीं फैजल सिद्दीकी के इस विवादित वीडियो पर एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल काफी भड़की। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने के लिए महिला आयोग का आभार जताया है और फैजल की जमकर आलोचना की। लक्ष्मी अग्रवाल ने टिकटॉक पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये वीडियो फैजल सिद्दीकी के लिए है। जिस तरह से आप एसिड अटैक को प्रमोट कर रहे हैं कि एक लड़की ने मना किया तो आप उस पर एसिड डाल देंगे। आपको कितने सारे लोग फॉलो करते हैं और अपने वीडियो के द्वारा इतने गंदे मैसेज दे रहे हैं। आपको पता भी है कि एसिड के एक बूंद से कितना दर्द होता है। आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, ये एसिड अटैक से ही ऐसा हुआ है। आप खुद को क्रिएटर कहते हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? टिकटॉक ऐसे लोगों को कैसे क्रिएटर कह सकता है? अगर फेमस ही होना है तो अच्छे वीडियोस बनाकर फेमस होइए। वही फैजल सिद्दीकी के इस विवादित वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इस धरती पर लोगों के साथ क्या गलत है, ये बहुत खराब है। टिकटॉक इंडिया, आप इस तरह के कंटेंट की कैसे अनुमति दे सकते हैं? इस आदमी को काम करने की जरूरत है। और जो महिला इस वीडियो में है, क्या आपको एहसास भी है कि इस तरह की वीडियो का हिस्सा बनकर आप कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं? बता दें कि फैजल सिद्दीकी के टिकटॉक पर 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनकी एक विवादित वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तो हंगामा देखने को मिल ही रहा है, साथ ही अब उनके टिकटॉक अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एक विवादित वीडियो के चलते किसी टिकटॉकर का अकाउंट सस्पेंड हुआ। इससे पहले फैजू यानी फैजल शेख भी तबरेज अंसारी पर विवादित वीडियो बनाकर बुरे फंस गए थे और उनके अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया था।